राष्ट्रीयता के प्रतीक भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायक शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित जानता राजा का मंचन बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में पुणे महाराष्ट्र की संस्था महाराजा शिव छत्रपति प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। इस नाटक का दिव्य और भव्य मंचन समर्पित नाट्य कलाकारों द्वारा किया गया। यह नाट्य मंचन सेवा भारती के तत्वाधान में हुआ। शिवाजी पर आधारित इस जानता राजा का वाराणसी में 6 दिवसीय मंचन की विशेष बात यह रही कि शिवाजी के छत्रपति बनने में काशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। काशी के ही पंडित गंगा भट्ट के आदेश पर तब शिवाजी राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए थे। पंडित गंगा भट्ट जी के बारे में यहाँ काशी वाले सब जानते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक करने के लिए काशी से विद्वान आचार्य गंगा भट्ट जी गए थे। आज मैं यहाँ पर हमारे अशोक तिवारी जी जो महापौर के रूप में काशी के यहाँ पर बैठे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा के साथ आचार्य गंगा भट्ट जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना काशी के अंदर मैं अशोक जी अपेक्षा करूंगा कि 100 दिन के अंदर उसको स्थापित करने का आप काम करें। सरकार की ओर से जो सहायता चाहिए वो सहायता हम लोग करेंगे, आप उस काम के लिए आगे बढ़िए कि मैं आपसे आह्वान करता हूँ। शिवाजी के जन्म से लेकर छत्रपति बनने तक के प्रसंग का ये नाटक अद्वितीय एवं रोमांचकारी था, साथ ही भारतीय मूल्यों को अपने में समेटे हुए उसे जीवंत कर रखा है नाटक जानता राजा। तीनों लोक से न्यारी और उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसी काशी अपनी पौराणिकता का प्रमाण स्वयं प्रस्तुत करती है। धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी काशी वाराणसी अपने लोक उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध है। कार्तिक माह में गंगा की लहरों पर सुरों की सरिता, नृत्यों की रुंझुन और वाद्यों के घोष से सराबोर गंगा महोत्सव का आयोजन राजघाट पर गत दिनों किया गया। गायन वादन के विभिन्न लोक विधाओं की प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह झूम उठे। श्रोताओं में उत्साह का संचार मानो स्वयं लय ताल में अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, ऐसा प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति के दौरान देखा गया।
इस अवसर पर रामायण की नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने वाले कलाकारों ने महोत्सव की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। काशी में आए हैं, देव दीपावली के अवसर पर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा हर्ष का अनुभव है, मौका है। और मैं पर्यटन मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हाँ, उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इस प्रस्तुति को बनारस के लोगों को, काशी के लोगों को दिखा सकें, उनके बीच में इन चीज़ों को ला सकें और जिस भी तरह कर सकते हैं हम इसे मुमकिन कर सकें। लेकिन अवसर की बात होती है, हमें मिला, हम इसके लिए आभारी हैं। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक आर के रावत ने भी कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया। गंगा महोत्सव में प्राथमिकता ये रही कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए। बनारस के जो कलाकार हैं जिन्होंने बड़ा ख्याति प्राप्त की है, उनको ये स्टेज दिया गया। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है कि गंगा महोत्सव के अवसर पर दो सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्टेज बने, जिसमें राजेंद्र प्रसाद की प्रस्तुति आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजघाट, जो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये राजघाट है, इस पे कार्यक्रम हुए हैं। जो राजेंद्र प्रसाद घाट है उस पे काशी सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो विजेता हैं उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। इसमें प्रयास ये किया गया है कि पूरे भारत की लोक नृत्य को किसी तरीके से प्रस्तुत करके हम अच्छे तरीके से ये भारत की संस्कृति को दिखा सकें। सनातन के सभी मतों पंथों में कार्तिक पूर्णिमा को पवित्र पर्व तिथि माना गया है। देवाधिदेव महादेव की नगरी वाराणसी में गंगा के तट पर इस दिन भव्य आयोजन होता है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष प्रयोजन है। कार्तिक पूर्णिमा को पड़ने वाले देव दीपावली को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये मेरा पहला अनुभव है घाट का, और ये फायरवर्क्स, लाइट्स और ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आई विश कि मैं फिर से आऊँ नेक्स्ट ईयर, और मे बी मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेके आऊँगी। ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड एंड वी आर रियली इन्जॉइंग, बहुत ही मज़ा आया। अराउंड द वर्ल्ड नेवर, आई ट्रैवल every months around the world with my clients as a tour guide, and I never see something so special, so amazing, something really unbelievable. गत 27 नवंबर को देव दीपावली के भव्य आयोजन के दिन घाटों पर दीप जलाए गए थे। घाटों की श्रृंखला के बीच दीपों की माला, आसमान से सितारों की झिलमिलाती बारात मानो आकाश गंगा के मिलन का आभास कराती है। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर सजने वाले देव दीपावली की पहचान अब प्रदेश के मेले के रूप में होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवताओं के उत्सव देव दीपावली को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। स्कंद पुराण में उल्लेखित काश्यते प्रकाश्यते इति काशी का साक्षात दर्शन देव दीपावली की पुण्य बेला पर हुआ।